हमारा संस्कृति बचाने अर्क दायित्व एटकरण हमी वृद्ध देखें एटा एज हाइट को हमी बाटो सुनिश्चित करने अभियान में छो तर 18 वर्ष मुनि का बच्चा निम्ति जो खतरा को संगीत देखी रहे पूर्व तैयारी करने अभियान संगसंगे खोपलाई यथासंभव छिटो यही प्रदेश में पहिलोचोटि स्टार्टिंग करने हम इच्छा इसमें यहाँ को योगदान कायम रहोस् भाँचु कि हमारे बाल बाल पैला खोप में पैलो प्रदेश बनना का निम्ति यहाँ को फाउंडेशन हम सहयोगी शक्ति भर सहयोग सामान्य विकास निर्माण को बजेट एक वर्ष खाते कहीं हो तर हम बाल बच्चा नया संगति जीवन रक्षा को पैला गए हमी टोटल जी हो कस्ट मूल्य चुका हम तैयार छोड़े मैं वहाँसम एकदम मेजर अपर्चुनिटी 18 वर्ष देखि मूल का बाल बच्चा खोप को अभियान को निर्देश पहले अभियान चलाने के टेक्निकल सपोर्ट कर खोप संबंधी सहयोग इसको निर्देश में हमारे हृदय का साथ सहयोग पूर्वक सहयोग अपेक्षा भी हम चाहिए खास करी 5 नंबर हमें टार्गेट बना अब उपरांत यही परिवेश में 5 नंबर प्रदेश को केरे के नीड के आवश्यकता अब त्यसलाई चाहिँ पूरा गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध छौं। भैरवा भीम अस्पताल में एउटा केरे भेन्टिलेटर चाहिँ दिने आज भोलिमै दिँदै छौं र यस प्रकार विकासजीले चार्ट गर्नुहुन्छ र सामान चाहिँ तुरंत उपलब्ध होने अक्सिजन सिलिंडर अक्सिजन कंसनट्रेटर मेडिकल मास्क हमें ग्लव्स लगातार विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री करें 2.5 करोड़ भन्दा बढी को स्वास्थ्य सामग्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार हमें मंत्रालय जानकारी दियौं त्यतिखेर मंत्रालय में भोज प्रसाद मंत्री जी हुनुहुन्थ्यो मंत्रालय जानकारी दियौं र हामीले यस प्रदेश को 12 एवटा जिला 13 एवटा प्रादेशिक तथा जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल में विशेषगरी सरकारी अस्पताल में हमें ध्यान पुर्याएर त्यो वितरण गयो त्यो वितरण गरि सकेपछि हामीले एकदमै राम्रोसँग अहिले पनि मोनिटरिङ गरिरहेका छौं कति जना पेशेंटलाई युज भयो त्यसको चाहिँ सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भएको छ सबै जिल्लामा चाहिँ हाम्रो नेशनल तथा इन्टरनेशनल एक्सपोर्टहरू र हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ कि यही क्राइसिसको बेलामा हामीले प्रोजेक्ट होपबाट अमेरिकाबाट ग्लोबल ह्युमानिटेरियनको डाइरेक्टर र अर्को मेसिडोनियाबाट चाहिँ हाम्रो अर्को डाइरेक्टरलाई चाहिँ हामीले लिएर आयौँ यही मन्त्रालयमा पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ सचिवज्यू हुनुहुन्छ निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ उहाँहरूले एउटा के भन्नुभयो भन्दाखेरि यस प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशलाई के आवश्यकता छ मेडिकल इक्विपमेन्टमा मेडिकल सप्लाइजमा अझ बढी चाहिँ नि कस्तो खालको सहयोग गर्न सकिन्छ ह्युमन रिसोर्समा के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भविष्यमा पनि हामी सहयोग गर्न तयार